जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग विशेष इन्फो टेक्निक्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। विशेष इन्फो टेक्निक्स को इस वीडियो में शॉर्ट कॉर्ड में समझने का प्रयास करेंगे। आपको बताऊंगा मैं कि इस स्टॉक और जो चार्ट पैटर्न है, चार्ट पैटर्न पर बेसिकली क्या चल रहा है, ताकि टेक्निकल एनालिसिस का ही इस वीडियो में मेन रूप से ध्यान रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे कि जब हम शॉर्ट टर्म एनालिसिस करना होता है किसी स्टॉक का, तो टेक्निकल एनालिसिस वहाँ पे काम आता है। फंडामेंटल तो उस चीज के लिए हो गया लॉन्ग टर्म के लिए। हालांकि किसी वीडियो में मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपका भैया लॉन्ग टर्म का ही होना चाहिए। लेकिन इस वीडियो की हम जो एनालिसिस करने वाले हैं वो शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है इसके बारे में करेंगे। अभी यहाँ पे एक बात और बता दूं कि जो विशेष इन्फो टेक्निक्स लिमिटेड कंपनी है, इसके बारे में तो सभी जानते हैं कि इसका जो दूसरा नाम है वो एमपीएस इन्फोटेक है, यानी कि इस कंपनी को एमपीएस इन्फोटेक के नाम से भी जाने जाते हैं। नाम अलग अलग है, नाम को लेकर कंफ्यूज नहीं होना, बेसिकली कंपनी एक ही है। सबसे पहले चार्ट पर आ जाइए, एक साल का चार्ट यहाँ पे ओपन है। एक साल के चार्ट पर आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक में कहीं ना कहीं ये पहले एक साल का चार्ट है और यहाँ पे देखिए डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन होते हुए आपको दिख रहा है। स्पष्ट रूप से देखिए ये डब्ल्यू टाइप का ही फॉर्मेशन हो रहा है, और जब जब डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन होता है तो उसके बाद क्या होता है कि प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। जहां पर एम टाइप का फॉर्मेशन हो चार्ट पर, इसका मतलब होता है कि प्राइस क्या होता है, अब नीचे आता है। लेकिन अगर यहीं पर डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन हो तो ये जो लाइन होता है इसके ऊपर निकलने के बाद प्राइस में शानदार तेजी आती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये क्या होगा, प्राइस थोड़ा सा और ऊपर उठेगा और यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 50 पैसा के आसपास, और इसको ब्रेक करेगा तो इजिली ये 80 पैसा से लेके 1 रुपए तक आने का दमखम रखता है। हालांकि 75 से 80 पैसा के बीच आके थोड़ा समय बिता सकता है, 70 पैसा से लेके आप इसको 75 और 80 पैसा तक मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना क्या है, पहले से एक रेजिस्टेंस है। थोड़ा सा इसमें देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ एक रेंज बाउंड भी कर सकते हैं बनाया था, तो इस लेवल के बीच आके समय बिता सकता है। लेकिन जो मेन चीज है वो ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके चार्ट पैटर्न पर आप जहां जहां देखेंगे कि डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन हुआ है, उसके उसके बाद प्राइस निश्चित ही ऊपर आपको गया है। हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए प्राइस को इस लेवल तक आने में, लेकिन चूंकि डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन बन गया तो ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, प्राइस इस लेवल के आसपास आएगा और इसके बाद प्राइस इजली यहाँ से इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा। तो जो लोग ये सोच के बैठे हुए थे कि प्राइस बहुत नीचे चला गया और अब और ज्यादा नीचे जाएगा, तो उनके लिए सुकून देने वाली खबर है। प्राइस और नीचे जाने की संभावना इसलिए भी नहीं है क्योंकि अभी देखिए कंपनी के जो क्वार्टर्स के नंबर होते हैं वो Q1 का, यानी कि 2024-25 के फाइनेंशियल लगे पहले क्वार्टर का नंबर इस बहुत ही जल्द उम्मीद है कि अगस्त मंथ में आ जाएगा। अभी देखेंगे तो मार्च क्वार्टर का ही रिजल्ट आया था, लास्ट क्वार्टर फोर का रिजल्ट आया था। अब क्वार्टर फोर के नंबर में थोड़ा सा इसका जो सेल्स है वो डिक्लाइन होते हुए दिखा था, और सेल्स डिक्लाइन हुआ था तो जाहिर सी बात है ओवरऑल जो कंपनी का मेन नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट पर भी असर पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट पहले से तो कंपनी लॉस में थी, थोड़ा सा यहाँ पे लॉस और बढ़ गया था। लॉस बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि कंपनी का बैलेंस शीट पूरा गड़बड़ा गया। बैलेंस शीट में क्या गड़बड़ा गया कि यहाँ पे जो कंपनी कर्ज में थी, कर्ज में तो पहले भी थी 20 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर कर्जा, वो कर्जा बढ़ गया 31 करोड़ के आसपास मान लीजिए हो गया। और रिजर्व जो पैसा होता है, क्योंकि रिजर्व पैसा क्या होता है, कंपनी को चलाने के लिए पैसों की तो जरूरत पड़ेगी। कंपनी को जब सेल्स नहीं होता है, प्रॉफिट नहीं होता है, तो कंपनी चलाने के लिए अपने रिजर्व पैसे में कंपनी यूज करती है। तो यहाँ पे देखेंगे कई बार लगभग कई क्वार्टर से तो कंपनी को मतलब घाटा ही हो रहा है। घाटे होने की वजह से कंपनी के पास जो रिजर्व पैसा है, रिजर्व पैसा ही कंपनी यूज कर रही है, और रिजर्व पैसा कम होते होते अब जाकर सिर्फ 53 करोड़ 84 लाख का बचा है। हालांकि वो भी ठीक ठाक रिजर्व है, लेकिन फिर भी ये कम हो रहा है जबकि ये बढ़ना चाहिए। और यहाँ पे जो कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स तकरीबन 2% के आसपास है, तो इसलिए छोटे स्टॉक में तो इन्वेस्टर्स ज्यादा होते नहीं, यानी कि जो कंपनी के प्रोमोटर्स हैं, तो फिर भी 2% है, ये एक थोड़ा सा सुकून देने वाली खबर होती है। क्योंकि प्रोमोटर्स का होना किसी भी कंपनी में जरूरी होता है, प्रोमोटर्स होंगे तो जरूर कुछ ना कुछ अपने स्टॉक्स को बचाने के लिए करेंगे। तो ओवरऑल यदि बात करें हम लोग, ये जो विशेष टेक्निक्स लिमिटेड कंपनी है, इसमें आपको समय देने की जरूरत है, और लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा इस स्टॉक में आप सोच के चलिए, नया इन्वेस्टमेंट अभी मत कीजिएगा, क्योंकि जिसका पहले से इन्वेस्टमेंट है ये वीडियो सिर्फ मैं उनके लिए बनाया हूँ। जब अच्छा मौका आ जाएगा चार्ट पे लेवल देख के जहाँ पे हम लोग बाई करते हैं, तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा नया व्यक्ति कहाँ पे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, या जिसके पास पहले से भी वीडियो कहाँ पे इसमें एवरेजिंग कर सकता है। अभी एवरेजिंग भी नहीं करना है आपको। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।